हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो होने वाले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि बीच में बहुत दिन से यहाँ पे कोई भी अपडेट वाला वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था, क्योंकि बहुत सारे काम था जिसकी वजह से मैं बिजी था। एंड फाइनली मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ एक बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त यहाँ पे जो है अपडेट, लेके एक नहीं बहुत सारे अपडेट्स है वैसे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आइकॉन जाने से, जो ऑलरेडी यहाँ पे गेम में अराइव हो चुका है। एंड सबसे जो बड़ी चीज़ है, इस बार थोड़ा सा करियर मोड टाइप के दिया गया है। यहाँ पे जीदान को देख सकते हो, जीदान के आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपग्रेडेबल कार्ड आप लोगों को मिलेंगे जैसे जैसे आप चैप्टर यहाँ पे कम्प्लीट करते हुए जाओगे। ऑब्वियसली मैं एंड ऑफ द वीडियो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा क्या सारे चीज़ें होने वाला है, बट अभी के लिए फिलहाल जो भी यहाँ पे अपडेट्स है उसके मैं लिस्ट यहाँ पे पहले सब कुछ पढ़ के यहाँ पे बता देता हूँ, फिर यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पे भी यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तो हो गया, यहाँ पे आइकॉन जीदान यहाँ पे देख सकते हो, और जो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल गया होगा जीदान का जो सबसे छोटा वाला कार्ड है 82 का, वो मिल गया है। बट अगले राउंड में कैसे यहाँ पे आप प्रोग्रेस करोगे वो भी सीन में यहाँ पे बताने वाला हूँ, बट थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाओ। और भी कुछ यहाँ पे अपडेट्स निकल के आता है जो है, वी हैव सम अपडेट्स दैट्स आर नाउ लाइव एंड यहाँ पे देख सकते हो, चेक देम आउट। सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सचेंज फॉर 86 OVR LB जो है जॉर्डी अल्बा, ऑब्वियसली आप लोगों को यहाँ पे ये देखने को मिल जाएंगे एक्सचेंज वाला सेक्शन में। बट अगर आप लोग अभी तक इस चीज़ को यहाँ पे किए नहीं हो तो यहाँ पे इसको भी कर सकते हो, मैं इसका भी दिखा दूंगा कहाँ से मिलेंगे। बहुत जन को शायद यहाँ पे एक्सचेंज भी नहीं मिलने वाला है, इवन मेरे को भी स्टार्टिंग में एकदम बिल्कुल मतलब एक चांस में नहीं मिला था, बट उसके बाद मेरे को पता चला ओके उस जगह पे यहाँ पे मिल सकता था। तो जो भी है उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट्स टू डेली क्वेस्ट यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे डेली क्वेस्ट में और भी चीज़ें यहाँ पे जुड़ता हुआ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे इंक्रीज मार्केट्स अपर प्राइस लिमिट, तो यहाँ पे मार्केट के जो यहाँ पे प्राइस है अब थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक होने वाला है। देख सकते हो जो भी यहाँ पे मार्जिन था ना एकदम टॉप प्राइस का, वो थोड़ा सा यहाँ पे जो है अभी ब्रेक करके और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। तो जो भी है उसके बाद यहाँ पे और कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, एक्सचेंज फॉर 80 to 89 OVR प्लेयर ए भी यहाँ पे अभी के लिए अवेलेबल है। आप यहाँ पे आई थिंक 70 to 75 के OVR ऐसे कुछ प्लेयर्स, यहाँ पे 75 to 79 के प्लेयर को यहाँ पे दे के आप एक्सचेंज करके ले सकते हो यहाँ पे 80 to 89 OVR के प्लेयर्स, तो ये भी बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है। एंड उसके बाद यहाँ पे आइकॉन जाने इवेंट जो यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेम के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे अराइव यहाँ पे हो भी चुका है। तो ये था यहाँ पे हम लोगों का सेकेंड अपडेट। तीसरा अपडेट बहुत ही नेक्स्ट लेवल अपडेट है, और जो है क्रूशियल पॉइंट्स एंड गिफ्ट्स आर नाउ ऑन द लाइन फॉर दिस रियल वर्ल्ड क्वालिफिकेशन मैचेस। यहाँ पे सीन क्या होने वाला है, 12 अक्टूबर को यहाँ पे मैच था कोलंबिया वर्सेस उरुग्वे, जो भी यहाँ पे जीता है 83 OVR की एक आइकॉन मिलेंगे। एंड उसके साथ साथ जो टीम जीतेगा उस टीम के एक यहाँ पे आइकॉन मिलने वाला था सबको। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे 13 अक्टूबर मतलब आज के दिन जब मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग भी यहाँ पे देख रहे होंगे शायद, तो आज के दिन जो भी टीम्स यहाँ पे जीतने वाले इन दोनों में से, यहाँ पे नीदरलैंड वर्सेज यहाँ पे फ्रांस का, तो जो जीतेगा उसके यहाँ पे आइकॉन देखने को मिलेंगे। और कैसे कैसे क्या चीज़ें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे जो होगा यहाँ पे गेम के स्क्रीन में। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलता हूँ गेम के स्क्रीन में, सारे चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या सीन है। थोड़ा सा मेरे को स्क्रीन स्विच करने का थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं एंड सारे जो स्क्रीन है मेरा सब कुछ यहाँ पे कैप्चर नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, तो शायद आप लोगों को आप यहाँ पे मेरा जो है गेम की स्क्रीन दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आइकॉन जाने से स्टार्ट करता हूँ। जब भी आप लोग यहाँ पे देखोगे यहाँ पे तीन चार चीज़ें यहाँ पे स्लाइड होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे चैंपियंस लीग वर्ल्ड कप 2 FC मोबाइल सब कुछ जो भी यहाँ पे इवेंट यहाँ पे चल रहा है रनिंग है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आइकॉन जाने भी अभी यहाँ पे लाइव हो चुका है। तो सबसे पहले जो है एलाइट वाला यहाँ पे ऑप्शन मिला है, देन यहाँ पे मास्टर, देन लेजेंडरी एंड देन यहाँ पे हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम में आई थिंक यहाँ पे जो है कुछ आप लोग जस्ट उसके जो कैरेक्टर है किस उम्र में कैसा था, मतलब एक टाइप के उसके जो फोटोज़ वगैरह वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक हॉल ऑफ फेम मतलब समझ ही रहा हो, एक मतलब उस टाइप के लग रहा है। एंड उसके साथ साथ मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये जो चीज़ है ना ये इतना जल्दी नहीं मिलने वाला, 10-15 दिन के आसपास लगेंगे ये कॉम्प्लीट करने में, क्योंकि हम लोगों के पास अभी जो यहाँ पे है देख सकते हैं वाला टोकन, अगर हम लोगों को यहाँ पे क्लेम करना है अनलॉक चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर के लिए जो यहाँ पे एक टोकन मिलेंगे वो अगर यहाँ पे लेना है वो हम लोगों को नॉर्मली नहीं मिलने वाला। यहाँ पे क्या चीज़ है देखो, 300 चाहिए तभी ओपन कर सकते हैं, और हम लोगों के पास अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे है 95 जस्ट, ठीक है ओनली 95 है, तो 95 से कुछ नहीं होने वाला। 300 चाहिए मतलब और भी 200 के आसपास लगभग यहाँ पे चाहिए हम लोगों को, 200 क्या 205 हम लोगों को चाहिए। तो उसके लिए अगर आप कैलकुलेट करो आई थिंक 14 दिन के आसपास ही हो रहा है, तो जिसके बाद आप लोगों को है ये सारे पॉइंट्स मिल जाएगी, क्योंकि डेली आपको यहाँ पे 15 करके ही पॉइंट्स मिल रहा है। देख सकते हो यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे आप लोगों को 10, और अगर कोई ऑप्शन यहाँ पे मेरे को मिल जाए तो मैं जरूर दिखा दूंगा, बट फिलहाल के लिए मेरे को और कोई ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। अगर कुछ ऐसे आ जाता है तो मैं ऑब्वियसली बता दूंगा। तो ये था यहाँ पे, तो थोड़ा सा सबर करो ये धीरे धीरे खुलेंगे करियर मोड। आप लोग बहुत लोग बोल रहे थे करियर मोड क्या आएंगे क्या आएंगे, करियर मोड आएंगे कि नहीं मोबाइल वर्सन में, तो ऑब्वियसली एक करियर मोड की तरह ही यहाँ पे आइकॉन जानने को बनाया गया है। एंड खास करके जीदान के ऊपर हुआ है, बहुत बढ़िया एक मतलब आइकॉन लेजेंडरी यहाँ पे देख सकते हो।
तो ये तो हो गया आपके यहाँ पे आइकॉन्स जाने। देन यहाँ पे चलता है जो आप लोग एक्सचेंज कैसे करोगे। जो एक्सचेंज की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है क्लाब के अंदर। एंड क्लाब में जाने के बाद देन यू हैव टू क्लिक ऑन द एक्सचेंज बटन। यहाँ पे देख सकते हो एक्सचेंज बटन, यहाँ पे जो भी बोल सकते हो आप, आपको दिख रहा है एक्सचेंज वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे जब भी क्लिक कर दोगे उसके बाद देखो यहाँ पे सारे एक्सचेंज आप लोगों के सामने यहाँ पे लाइव होता हुआ नजर आएगा। बट इसके कुछ लिमिटेशन है यार, जैसे आप 75 to 89 को यहाँ पे दो बार ही क्लेम कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट आप ले सकते हो 4 बार, फिर यहाँ पे 4 बार आप वेलकम पॉइंट ले सकते हो। इसमें भी कुछ कुछ यहाँ पे एक्सचेंज होना चाहिए, 75 to यहाँ पे 94 के OBR के प्लस लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है 86 एक्स प्लेयर, एक प्लेयर बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो और फ्री में तो जरूरी मतलब जरूर नहीं, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लेयर्स जो है देना पड़ेगा, उसके बदले आप लोग यहाँ पे जॉर्डी आल्बा मिलेंगे। साथ में यहाँ पे 10 लाख कॉइन्स भी मिले चाहिए। 10 लाख कॉइन्स अगर हो तभी यहाँ पे ट्राई करो, अदरवाइज मतलब सब कुछ कर लिए फिर देख रहे हो 10 लाख कॉइन्स है नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये था यहाँ पे एक्सचेंज की बात है। एंड लास्ट में जो मैंने अपडेट यहाँ पे बताया था, उस अपडेट में यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी, आप लोगों को फ्री में और भी प्लेयर्स मिलेंगे। तो वो कहाँ से मिलने वाले वो भी यहाँ पे अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं गेम के अंदर ही न्यूज़ के जगह पे आता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है हीरो एंड आइकॉन प्लेयर गिफ्ट, ठीक है। तो वी आर गिफ्टिंग एन 83 ओवीआर हीरो प्लेयर्स एंड 86 ओवीआर आइकॉन प्लेयर बेस्ड ऑन टू रियल वर्ल्ड मैचअप्स। यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअली क्या सीन है यहाँ पे, रियल वर्ल्ड मतलब अभी जो करंट टाइम पे रियल लाइफ में जैसे यहाँ पे मैचेस चल रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पे बेस होके ये जो दोनों कार्ड यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है, बेस्ड ऑन द विनर बिटवीन कोलंबिया एंड उरुग्वे। इन दोनों में से जो भी यहाँ पे विनर होगा, यहाँ पे एक्चुअली बोला है विनर के नाम लिया गया है कि लूजर जो होगा जो टीम उसका कोई आइकॉन मिलेगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पे एक्चुअली विनर को मेंशन किया गया। तो ऑब्वियसली जो विन करेगा जो भी टीम उसके यहाँ पे जो आइकॉन है वो मिलने वाला है आप लोगों को। जो हीरो बोलो आइकॉन बोलो कुछ भी, मतलब हीरो एक्चुअली तो हम लोग हीरो बोल सकते हैं क्योंकि हीरो और आइकॉन यहाँ पे डिफरेंट है इस गेम के अंदर, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो है रिसीव एन 83 ओवीआर हीरो इवान यहाँ पे देख सकते हो, कॉर्डोबा ए मिलेंगे आप लोगों को, नहीं तो उरुग्वे का जो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे डिएगो फोलान। सो दोनों में से कोई एक मिलेंगे, जो भी टीम जीतेगा वही मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेस्ड ऑन द विनर बिटवीन फ्रांस एंड नीदरलैंड्स, यहाँ पे ये होने वाला है 13 अक्टूबर को। सो आज के दिन यहाँ पे ये गेम हम लोगों को देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे फ्रांस वर्सेस नीदरलैंड्स के बीच में होने वाला है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो रिसीव एन 86 ओवीआर आइकॉन यहाँ पे मार्सल डिजेली, यहाँ पे डिजेली मिलेंगे अगर यहाँ पे जीतते हैं तो 86 का आइकॉन मिलने वाला है गाइस। बहुत ही तगड़ा कार्ड होने वाला है दोनों के दोनों ही। एक तो यहाँ पे अगर फ्रांस जीतेगा तो डिजेली मिलेंगे, और अगर यहाँ पे जीतता है आपके नीदरलैंड तो यहाँ पे देख सकते हो रूड वैन निस्टल रॉय यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो स्ट्राइकर देखने को मिलेंगे और इधर से आप बोल सकते हो डीजे डीजल ही, तो आई थिंक यहाँ पे डिफेंडर के हिसाब से ही। तो ये सारे यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो इफ देयर आर टाई इन आइदर मैचअप यू विल स्टील, देख सकते हो यू विल स्टील रिसीव अ प्लेयर, आप फिर भी एक यहाँ पे प्लेयर को रिसीव करोगे शायद, वो मतलब रैंडमली दोनों में से कोई एक यहाँ पे उस टाइम पे मिल सकते हो। देखते हैं क्या होता है उस मैच के जो रिजल्ट्स के ऊपर, हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। बाकी यही सारे चीज़ था। एंड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉग इन सून आफ्टर द मैचेस टू क्लेम योर हीरो एंड आइकॉन प्लेयर। तो यहाँ पे लॉग इन सून बोल रहा है कि जितना जल्दी हो सके उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो है ट्राई करना इस गेम को खोलने का, लॉग इन करने का, उसी के साथ साथ मिलेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे डेली जो लॉग इन होता है ना उस टाइम पे यहाँ पे मिल जाएंगे जो जब उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना सब कुछ था, और आई थिंक और कोई भी चीज़ मेरे को आ रहा है बट थोड़ा सा ना मतलब उसमें उस लीग में उतना भी मैं मतलब बता नहीं सकता कॉन्फिडेंसली कि भाई कॉन्फिडेंटली मैं बता नहीं सकता कि ये आने ही वाला है। हाँ जरूर यहाँ पे आने वाला है RTT के, मेरे को पता है क्योंकि PC में आ चुका है टीम ऑफ द वीक PO टीम ये सब तो आएगा ही, बट फिर भी अभी तक कुछ ऐसे ऑफिशियल की तरफ से है नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम मतलब और भी लगेगा शायद, तो जब आएगा तो मैं उसके पहले आप लोगों तक यहाँ पे वो सारे जो न्यूज़ है जो भी अपडेट्स है वो डिलीवर कर दूंगा। और आज के वीडियो में इतना दूरी रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।